नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मूली के बारे में। ज्यादातर ठंड के दिनों में बाजार में सफेद सफेद मूली की ढेरें दिखाई देती हैं। सलाद हो या फिर सब्जी, मूली का प्रयोग ठंड के दिनों में हर घर में किया जाता है क्योंकि यह सेहत और सौंदर्य दोनों के लिए गुणकारी है। आज के वीडियो में मैं आपको मूली खाने के फायदे के बारे में विस्तार से बताऊंगी। आपके सलाद में शामिल मूली प्रोटीन, विटामिन ए, बी, सी, आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, गंधक, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोरीन से भरपूर होता है और यह सभी पोषक तत्व मिलकर आपकी सेहत को बेहतर बनाते हैं, साथ ही बीमारियों से भी बचाते हैं। हृदय शरीर का अहम भाग होता है जिसके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ मूली के फायदे देखे जा सकते हैं। मूली में मौजूद नाइट्रेट जैसे तत्व उसे एथेरोस्क्लेरोसिस के खतरे को कम करती है। एथेरोस्क्लेरोसिस एक गंभीर समस्या है जिसमें आर्टरी वॉल यानी धमनियों के अंदर फैट और कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है, जिसे प्लाक कहते हैं। बाद में यह हार्ट अटैक का भी कारण बन सकता है। अगर कोई पूछे कि मूली खाने के क्या क्या फायदे हैं तो उसमें डायबिटीज भी शामिल है। डायबिटीज की समस्या में भी मूली खाने के फायदे देखे जा सकते हैं। मूली एंटी डायबिटिक के रूप में काम करती है। ऐसा इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एनर्जी मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने, फ्री रेडिकल्स से बचाव करने, ग्लूकोज को नियंत्रित करने और आंत में ग्लूकोज अवशोषण को कम करने की क्षमता के कारण हो सकता है। किडनी में हुई पथरी की समस्या को कम करने के लिए भी मूली सहायक होती है। मूली कैल्शियम ऑक्सलेट को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण ही किडनी में पथरी की समस्या होती है। किडनी स्टोन से बचाव या उसे कम करने के लिए मूली का सेवन किया जा सकता है। अगर कोई कैंसर पीड़ित है तो उनके लिए डॉक्टरी चिकित्सा को प्राथमिकता देना जरूरी है और वहीं घरेलू उपचार की बात करें तो ऐसे में कैंसर से बचाव के लिए मूली का सेवन किया जा सकता है। दरअसल मूली क्रूसीफेरस परिवार से संबंध रखती है जिसके कंपाउंड पानी के साथ मिलते ही आइसोथियोसाइनेट एक प्रकार के केमिकल कंपाउंड में परिवर्तित हो जाता है। आइसोथियोसाइनेट में एंटी कैंसर के गुण होते हैं। आसान शब्दों में समझा जाए तो मूली में मौजूद एंटी कैंसर गुण कैंसर के खतरे को कम करने में सहायक हो सकता है। अगर वजन घटाने के लिए मूली खाने के फायदे की बात करें तो मूली में मौजूद फाइबर वजन को नियंत्रित करने में, मोटापे और मोटापे से जुड़े खतरे को कम करने में सहायक हो सकता है। ऐसे में फाइबर युक्त मूली वजन नियंत्रित करने में सहायक होता है। इसके अलावा अगर कोई डाइट कर रहा है तो सलाद में सामान्य मूली या हॉर्स रेडिश को, जो एक मूली का प्रकार होता है, उसे शामिल कर सकते हैं क्योंकि इसमें कैलोरी कम होती है। मूली के फायदे रक्तचाप नियंत्रण में भी देखा जा सकता है। मूली कैल्शियम और पोटेशियम जैसे खनिजों से भरपूर होता है और ये पोषक तत्व रक्तचाप को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में मूली के सेवन से रक्तचाप की समस्या से बचाव हो सकता है। मूली त्वचा के लिए भी फायदेमंद होती है। इसमें विटामिन सी की अधिकता होती है जो त्वचा के लिए एक कारगर एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। यह त्वचा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है। विटामिन स्किन में कोलेजन को बढ़ाने का काम करता है, साथ ही यह त्वचा में निखार लाता है, सूर्य के हानिकारक किरणों से बचाव और एजिंग के प्रभाव को कम करने का काम करता है। इस आधार पर मूली को त्वचा के लिए लाभकारी माना जा सकता है। मूली बालों के लिए भी लाभकारी हो सकता है। मूली का हेयर मास्क या पेस्ट लगाने से बाल स्वस्थ, मजबूत और घने हो सकते हैं। हालांकि ये लोगों के अनुभवों के आधार पर है, इसलिए इसका असर हो सकता है। इसे करने से पहले एक बार एक्सपर्ट से जरूर सलाह लें। पत्तेदार सब्जियां और जैसे मूली में गोइट्रोजेनिक पदार्थ होता है जो थायराइड हार्मोन के उत्पादन में बाधा डाल सकते हैं। अधिक मूली के सेवन से थायराइड हार्मोन का स्तर असंतुलित हो सकता है। थायराइड की समस्या वाले व्यक्तियों को मूली और अन्य क्रूसीफेरस सब्जियों का सेवन करना सीमित कर देना चाहिए। मूली रक्त में शर्करा के स्तर को कम कर सकती है। इसमें हाइपोग्लाइसेमिक प्रभाव होते हैं। ऐसे में जो लोग डायबिटीज़ की दवा ले रहे हैं वो मूली के सेवन से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। मूली में लैक्सेटिव गुण मौजूद होते हैं, इसलिए अत्यधिक मूली के सेवन से पेट खराब की समस्या हो सकती है। जिनका पेट संवेदनशील है, कह सकते हैं सेंसिटिव है, वो मूली का सेवन विशेषज्ञ की सलाह के बाद ही लें। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ और हम आशा करते हैं कि मूली से संबंधित हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप किसी विषय पर हमसे कुछ और पूछना चाहते हैं तो हमें आपके सवालों के जवाब देने में खुशी होगी। आप हमें अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।